प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा, 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र किए वितरित। गुजरात में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा सरदार पटेल को कांग्रेस ने कभी नहीं दिया सम्मान। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ, बोले आईटी सेक्टर में यूपी का बड़ा योगदान। दिल्ली में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद को ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। सत्येंद्र जैन के जेल वाले वीडियो पर बोले बीजेपी नेता गौरव भाटिया, कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश से मांगनी चाहिए माफी। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका की खारिज। आफताब ने कोर्ट के सामने कबूल किया अपना जुर्म, कहा गुस्से में किया श्रद्धा का कत्ल। प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कल पहुंचेंगे मध्य प्रदेश, राहुल गांधी के साथ यात्रा में लेंगे हिस्सा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश को बीजेपी का अल्टीमेटम, कहा 13 दिसंबर तक पूरा करें 10 लाख नौकरी का वादा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के एक साथ आने के सवाल पर बोले साध्वी निरंजन, कहा चाचा भतीजे के एक होने से बीजेपी को कोई नहीं नुकसान, ये उनके परिवार का विषय है।